press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 27 अक्टूबर को जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली की खुशियां मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ मीरा रोड के गीता नगर फेस आर्ट में चर्सी और गर्दुल्लों ने एक सोसाइटी में आतंक मचा दिया। सोसाइटी गेट के बाहर आपस में मस्ती और हुल्लड़बाजी कर रहे चर्सियों को जब सोसाइटी वालों ने मना किया तो वो इतनी मामूली सी बात पर इतना बिफर गए कि उन्होंने तलवार तक यहाँ पर निकाल ली और कई लोगों को जख्मी कर दिया। आइए हम जानते हैं क्या हुआ था 27 तारीख की रात में गीता नगर फेस आर्ट इस बिल्डिंग में। तो घटना ऐसी हो गई कि सोसाइटी में लोग दिवाली मना रहे थे। मेरे घर में एक बच्चा एक्सपायर हो गया 10 दिन पहले, तो हम लोग दिवाली नहीं मना रहे थे, अपने घर पे ही थे। मेरे दो लड़के हैं, बिरार में ऑफिस है, वो लोग ऑफिस गए थे, 8:30 बजे आए हैं वहाँ से रिटर्न। तो ये गेट पे एक 4-5 चर्सी लोग चरस पी के मस्ती कर रहे थे गेट के ऊपर। हमारे लड़के लोग अंदर आए तो वो लोग गाली दे रहे थे सोसाइटी वालों को। लड़के अंदर आ गए तो वो लोग ने दरवाज़ा ढकेल के गेट को धक्का मारा और वो खुद घुस के आए अंदर। दो जन, एक बंटी और दूसरे का नुमान नाम है, नुमान ने उसके बड़े लड़के के नाक पे मार दिया बहुत ज़ोर से और उसका ब्लीडिंग होने लगा बहुत ज़्यादा, तो सीधा घर पे भाग के आ गया। छोटा लड़का मेरा नीचे रुक गया था, उससे ये लोग हाथापाई और मारपीट करने लगे। सोसाइटी वाले ने मिल के छोटे लड़के को मेरे गेट के अंदर ले लिया, बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ उसके अंदर कर दिए और गेट बड़ा बंद कर दिए। उसके बाद ये लोग 4-5 लोग मिल के गेट ज़बरदस्ती खोल के अंदर घुसे हैं। बायोमेट्रिक जो गेट है उसके ऊपर लात मार के, बायोमेट्रिक गेट भी उन्होंने खोल दिया लात मार के और अंदर घुस गए। उसके बाद उससे मारपीट करने लगे। जब हमको मालूम पड़ा, बड़ा लड़का घर पे आया उसका ब्लीडिंग देख के हमको मालूम पड़ा, तो उसके बाद में मैं नीचे उतरा हूँ और नीचे उतरने के बाद फिर हम भी मारपीट किए, हम भी उनको मारे और छोड़ा है। हमारे लड़के को उन्होंने पकड़ के रखा था, छोड़ ही नहीं रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे, 4-10 डंडा मारा हूँ उसके बाद उसने छोड़ा, इतना पकड़ के रखा था कि छोड़ ही नहीं रहा। हम लोग इतना छुड़ा रहे हैं और उसका एक आदमी तलवार लेके भाग रहा है, तलवार घुमा रहा है हमारे गर्दन के ऊपर के मारूंगा, और उसमें सोसाइटी के कम से कम 5-6 लोग घायल हो गए, तलवार का लगा है उनको। मेरे लड़के को भी तलवार का लगा है और सबका नाम मैंने दिया है। हमको तलवार का तो नहीं लगा, हमको धक्का मार दिया, मैं गिर गया था, मेरे हाथ में पैर में भी मार लगा है लेकिन वार का नहीं हमारे ऊपर लगा। लेकिन हमारे बच्चे को ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, उसके सर के ऊपर 8-9 टाका लगा है। पुलिस के यहाँ हम लोग कंप्लेंट देने गए तो पहले तो ये लोग ने 326 का धारा लगाया, बोले कि इंक्वायरी हम करेंगे, जबकि हम लोग कोशिश ये थी कि भाई आप मर्डर का केस लगाइए, हमारे लड़के को तलवार मारा है लोग ने और तलवार लेके आए, लेकिन ना तो इन्होंने हमारे बच्चे लोग का स्टेटमेंट लिया है और ना तो तलवार जब्त करने की कोशिश किया है लोग ने। हमने बताया कि ये लोग का अड्डा है यहाँ पे और वो अड्डे पे जाइए आप, वहाँ आपको मिलेगा हथियार, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं आई है। दूसरे दिन हम लोग सुबह सोसाइटी वाले जाके उस बंगले का घेराव किया और उसमें देखा तो तलवार, हथियार, चाकू पड़ा हुआ है, नशीली सामानें भी थी वहाँ पर। वो सब देखने के बाद हम पुलिस को फ़ोन किए, फिर यहाँ पठान आए हैं और उन्होंने तलवार जब्त करके लेके गया, चाकू वगैरह छोड़ दिए, तलवार उन्होंने जब्त करके लेके गया। अभी उसके आगे वो बोले कि हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। हम लेडीज़ लोग को बहुत तकलीफ है उधर जाने आने में, हम लोग को वो गर्दू लेंगे भी ऐसे, हमारे बच्चे लोग जाते हैं कोई खींच के लेके जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो हम लोग को बंगला नहीं चाहिए, वो पूरा साफ होना चाहिए और जंगल भी साफ होना चाहिए, आगे एक बिल्डिंग बन रही है वो भी साफ होना चाहिए। मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। हम लोग को आज से नहीं, 2014 से ये प्रॉब्लम इनका चालू है, ये डेली जाते हैं जेल में और छूट के इनको कैसे, वो लोग बाहर आते हैं 4 दिन में और आते हैं, फिर इन लोग बोलते हैं कि हम अभी छोड़ेंगे नहीं, हम सबको देखेंगे करके। 2014 से चालू है ये, हमारे एक शॉप वाला है उसको भी मारा है, 6 साल हो गए, लड़की है उसको भी खींच के लोग लेके गए हैं, रेप का प्रशासन की तरफ से कुछ मदद आती है क्या? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, बहुत कार्रवाई हुई मगर कोई मदद नहीं है। हमको एक आतंकवादी का एक भय हो गया है, पूरा सोसाइटी में पूरा 5-6 बिल्डिंग सब डर गए हैं, इनकी मान बेटी है, बहू है, कोई पीछे बच्चे लोग को ट्यूशन स्कूल नहीं जा सकता 6 बजे के बाद। सर मैंने तो गीता परदेसी को, नगर सेविका है, उनको मैंने फ़ोन किया कि मेरे बच्चों के साथ में ऐसी ऐसी घटना हो गई, आप मैडम जल्दी से जल्दी आओ। वो बिचारी जल्दी से तुरंत दौड़ के आई, साथ में हम लोग को लेके पुलिस चौकी गई। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने मम्मी को बुलाया, फारूक भाई को बुलाया, जुबेर इनामदार को बुलाया, सब लोग ने आके हमारे साथ में 4 घंटा बैठे थे और हमारा कंप्लेंट देने को लगा है, तो उस पर कार्रवाई हुई है। परसों की रात को कुछ ड्रग एडिक्ट्स ने इनके सोसाइटी के पास आकर कुछ मारामारी की, जिसके वजह से यहाँ पे सिंह साहब करके रहते हैं, उनके लड़के को बहुत बुरी तरह से मार लगा, उसका सर पे तलवार से वार किया गया और उसको टाके वाके आए, सीरियस है मैटर।
पुलिस के पास हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हम उनको पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस ने इमीजिएटली कार्रवाई यानी प्राइमा फेसी कार्रवाई में 323 का केस रजिस्टर किया और उसके बाद अभी कल यानी रिमांड में जब उसको लेकर गए उससे पहले उसको 307 में कन्वर्ट भी किया है। देन हाफ मर्डर केस एब्सोल्युटली रजिस्टर हुआ है और पुलिस अपने आप से तफ्तीश कर रही है। उन्होंने जहाँ पर ये जो सामान रखा गया था सब तलवार वगैरह जो रखी गई थी उस पर भी उन्होंने कार्रवाई की और उसको सबको सामान को अपने ताबे में लिया है। मैं आपके माध्यम से एक मौका लेकर बोलना चाहूँगा कि पड़ोस में एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो बंद है, उसके अंदर जो फ्लैट है सैंपल फ्लैट्स बनाए हुए थे वो खाली पड़े हैं और उसका इस्तेमाल ये ड्रग एडिक्ट्स करते हैं। तो ये चर्चियों का बैठने का अड्डा बन गया ड्रग एडिक्ट्स का, क्योंकि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, एनक्लोजर नहीं है, पूरा फ्लैट्स खाली पड़े, उसका गैर फायदा करते हैं चर्चे लोग। तो मेरी पुलिस प्रशासन से और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी निवेदन है कि भाई इस चीज़ का जो है जल्द से जल्द फैसला करें, इसको बंद कराएं या इसको बैरिकेडिंग कराएं। मीडिया अच्छी तरह से जानती है कि ये एक जो न्यूसेंस है कैंसर ड्रग एडिक्ट्स का, इसके लिए हमने कई महीने कई साल बेसिकली आप तो जानते हैं कि मुझ पर भी ये हमला हो चुका है मेरे घर पर। इस बात को लेकर हम लगातार कार्रवाई करते आए हैं और करते रहेंगे। नवल बजाज साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी इसकी, जब वो आईजी नवल बजाज साहब यहाँ पर थे, वो ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर बहुत टूट के पड़े थे और काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गया था इनका मस्त। मैं अभी के आईजी जो कौशिक साहब है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से कि उस कार्रवाई को पूरी ताकत से फिर से एक बार शुरू करें और ये अवेयरनेस ड्राइव्स चलाएं और इस ड्रग एडिक्ट्स के मसले को ख़त्म करने की कोशिश करें। और क्या उसका इस वक्त स्टेटस है? 2 दिवसपूर्वी इथे जे मारामारीचा गुन्हा दाखल झाला होता, घटना घडली होती, त्यानिमित्ताने इथे एक गुन्हा दाखल झाला। 2 जखमींची तक्रार दिली घेतली, आपण तक्रार घेतल्यानंतर त्यांचा उपचार चालू आहे, गुन्हा दाखल झालेला आहे कायदेशीर पद्धतीने आणि 2 आरोपी अटक केलेले आहेत आणि पुढील तपास चालू आहे। आणि घटनास्थळी आरोपींनी काही तलवार वगैरे फिरकवली होती, या संदर्भात काही CCTV फुटेज वगैरे पण आहे, त्या संदर्भात पोलिसांनी काय अजून गुन्हा दाखल केला आहे? नाही, चौकशी चालू आहे, बाकी इतर गुन्ह्याच्या संबंधाने इतर गोष्टी आहेत, हे मी आपल्याला जशी माहिती मिळत जाईल अशी आपल्याला माहिती देत जाईल। पोलिसांनी काय गुन्हा दाखल केला आहे? सेक्शन काय काय? हा कलम 307 गुन्हा दाखल आहे, बाकी 326 323 पण इतर आहे गुन्हे दाखल आहेत। आर्म्स ऍक्ट लावले? आर्म्स ऍक्ट आम्ही लावला होता, अजून आपल्या वेपनची आपल्याला फक्त माहिती मिळाली आहे, फुटेज वगैरे प्राप्त करतो आहे आपण आणि आरोपींना पण चौकशी चालू आहे, जशी पुढे तपास चालू होईल तसं आपण आपल्याला कळवू। साहेब आरोपीवर याच्या अगोदर पण काही गुन्हे दाखल आहे? सध्या तपास चालू आहे, चौकशी करतो आहे आम्ही। साहेब या सोसायटीला लागून एक बंगला आहे, तिथून त्या आरोपींनी काही हत्यार वगैरे आणले होते असं या लोकांचं म्हणणं आहे सोसायटीवाल्यांचं, तिकडं आपण काही बघितलं का साहेब? नाही, आता आम्ही माहिती घ्यायला लागलो त्याची, आम्ही आता त्याचा तपास चालू आहे आणि पूर्ण आपण फुटेज वगैरे चेक करायला लागलो आहे, बघू। पोलीस प्रशासन, हां मैं ये जरूर कहूंगा कि पुलिस प्रशासन का वाकई में कंट्रोल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन को अपनी कार्रवाई और ताकत से और तेज़ी से करनी पड़ेगी, ये ड्रग प्लेडलेस को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज के लिए भी हानिकारक है और देश के लिए भी हानिकारक है।